2019 गाइस, 2019 मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहा है, आपके लिए भी रहा होगा। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल। और जैसा कि आप लोग वीडियो का जो टाइटल है उसको पढ़ के आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो में बेसिकली जो अपना पूरा साल है उसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में करके दिखाऊंगा कि हर महीने हर दिन मैंने क्या क्या किया है। तो पहले आप लोग वीडियो देख लो, फिर उसके बाद मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। जो ईयर है वो कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि हमारे जो एग्जाम्स थे वो चल रहे थे। बेसिकली हम लोग के अभी अभी मॉक टेस्ट खत्म हुए थे, उसके बाद हम लोग का जो वाइवा है वो शुरू होने वाला था। कि तभी प्रिंसिपल ने कह दिया एग्जाम से हम लोग की कि हम लोग को एक बहुत अच्छी फेयरवेल दी जाएगी, फेयरवेल पार्टी, और उसके उसके और हम लोग को बहुत अच्छी मिली भी। और उसके तुरंत बाद बेसिकली जाया जाता है आफ्टर पार्टी में, लेकिन हम लोग तुरंत बाद नहीं गए, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसके बाद गए। और फिर हम लोग के जो प्रैक्टिकल्स थे और वो सब चालू हो गए, तो उसमें हम लोग बिजी हो गए थे। फिर फरवरी आया, फरवरी भर हम लोग को एग्जाम देना था। फरवरी मिड फरवरी से हम लोग के एग्जाम चालू हुए थे और एंड ऑफ मार्च तक चले, जो कि होली बीच में पड़ गई थी, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम में काफी गैप्स होते हैं और उसकी वजह से हम लोग को काफी टाइम खींचना पड़ा अपना। और उसके बाद भी एक एग्जाम बचा था जो कि हम लोग ने दिया है होली के जस्ट बाद, दो दिन बाद एग्जाम था, तो हम लोग को एग्जाम देना ही पड़ेगा क्योंकि ट्वेल्थ है भाई, लाइफ का सवाल है, तो उस वजह से देना पड़ा। और उसके बाद हम लोग की डेढ़ महीने की छुट्टी हो गई थी क्योंकि एग्जाम की डेट डेढ़ महीने बाद थी, एग्जाम कह रहे सॉरी रिजल्ट की डेट दो महीने बाद थी। और फिर हम लोग जब जिस दिन खत्म हुआ है, बेसिकली मैंने ईयर शुरू में एक कसम खाई थी, जैसे कि हर साल हम लोग रेजोल्यूशंस लेते हैं कि इस साल मैं ये करूंगा वो करूंगा। ट्वेल्थ में बेसिकली मैं आपको बता दूं, मैं बहुत फिटनेस फ्रीक आदमी हूँ, फिटनेस
फिटनेस को बहुत पसंद करता हूँ मैं, तो मुझे फिट रहना काफी अच्छा लगता है, वर्कआउट करना काफी अच्छा लगता है। लेकिन 12th में इतना ज्यादा प्रेशर है, 11th 12th में इतना ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर था कि मैं कुछ नहीं कर पाया। उस वजह से मेरा, मैं सिर्फ खा रहा था और बैठा रहता था, सिर्फ पढ़ता रहता था, मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी। तो उस वजह से मेरा वेट काफी बढ़ गया था। आई वॉज अराउंड 76 जब मैंने अपना 12th का कंप्लीट किया है। और तो मैंने जिस दिन कंप्लीट किया उसके 2 दिन बाद मैं फिर से लग गया अपने वजन कम करने में। तो फिर मैंने, पापा ने एक सलाह दी कि तुम जिम में मत जाओ, क्योंकि जिम में टाइम भी बहुत खराब होएगा और पैसा भी जाएगा, काफी पैसा चला जाता है। और उसके उसके अलावा अगर तुम ऊपर से उसके जो खर्चे हैं, प्रोटीन और तरह तरह की चीजें उसमें तुम्हें करनी पड़ेंगी, तो उसमें काफी पैसा चला जाता है। तो मेरे पापा ने कहा तुम सिर्फ जो मैराथन्स होती हैं शहर में वो दौड़ो, अपने आप तुम्हारी फिटनेस आ जाएगी। तो मैंने कम से कम दौड़ना शुरू किया, अभी भी मैं दौड़ता हूँ, और दौड़ना शुरू किया, साइकिलिंग शुरू किया, और घर में भी एक्सरसाइज करना शुरू किया मैट लगा के। तो मेरा अभी मैं 69 पर पहुंच चुका हूँ, काफी मेरा कम हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज से कि मैंने अपना किया है, काफी कम किया है। और तो वापस आते हैं हम लोग अपनी वीडियो पे। तो ये हो गया मार्च, फिर आता है अप्रैल। अप्रैल में मैंने पूरा वजन कम करने में लगाया। 3-4 दिन हम लोग को बाहर जाना पड़ा, हम लोग ने एक हॉलीडे प्लान किया था, जो कि था बेसिकली, आप लोग तो जानते हैं कि मेरे फादर जो है वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, और मतलब वैसे नहीं है, लेकिन हाँ फोटोग्राफी में उनका इंटरेस्ट है, तो वो लोग फोटोग्राफी करते हैं। उनके एक फ्रेंड है, उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि तुम फोटोग्राफी बहुत अच्छे करते हो, तुम फोटोग्राफी करो, तो इसलिए वो फोटोग्राफी में अभी काम कर रहे हैं। और उसके बाद आता है हम लोग, तो हम लोग चले गए थे दुधवा, दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में आता है। और उसके बाद आता है मई, मई में हम लोग ने एक और ट्रिप प्लान की थी नैनीताल की, जैसा कि आप लोग ने फोटोज में देख ही लिया होगा, हम लोग नैनीताल गए थे पूरे, हम 3 फैमिली थे मिला के, तो हम लोग वहाँ खूब मजा किया। बेसिकली नैनीताल हम लोग एक ही दिन घूमे, बाकी टाइम हम लोग जो आसपास है, भीमताल और कुपरथाल और जो भी है 7 ताल, वहां सब हम लोग घूमे थे। तो उसके बाद हम लोग ने मई में काफी चीजें की, लेकिन वो कुछ पर्सनल चीजें हैं वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, घरेलू चीजें हैं तो मैं आपको बता नहीं सकता। उसके बाद आता है जून, जून में मेरा होता है बर्थडे, मैं बहुत एक्साइटेड था और काफी अच्छे से मैंने बर्थडे मनाया, लेकिन उसकी फोटो मैं अभी वीडियो में डाल नहीं पाया क्योंकि वो थोड़ा पर्सनल हो जाता, ज्यादा फोटो नहीं ली क्योंकि मुझे अब भाई बच्चों की तरह केक वेक तो काटेंगे नहीं। हाँ थोड़ा बड़े हो जाए, कुछ फ्रेंड्स के संग जाए तो बात भी है, हम बेसिकली हम अपने फ्रेंड्स के संग नहीं, बेसिकली हम अपने घर वालों के संग बर्थडे मनाना पसंद करते हैं हम। और उसके बाद जून में, जून के बाद आता है जुलाई। जुलाई मेरे लिए काफी हद तक ठीक ठाक रहा है, क्योंकि बेसिकली मुझे इस साल ड्रॉप करना पड़ा कि मैं कॉलेज नहीं गया, इसी इसी कारण से ठीक ठाक मैं कह रहा हूँ कि ठीक ठाक गया है, क्योंकि मैं जाना चाहता हूँ ओबेरॉय, ओबेरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एंड सेकेंडरी मैंने डाला है IHM, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, जैसा कि आपको पता है कि मैं होटल मैनेजमेंट करना चाहता हूँ, तो उस वजह से। और बाकी जुलाई में बेसिकली मैंने एक छोटी सी चीज प्लान की थी, मैंने और अपने दो दोस्त थे मेरे, अभी जिन्होंने मेरे संग 12th दिया है उनके संग मैंने सोचा कि हम लोग साइकिलिंग करके खूब दूर जाते हैं। तो हम लोग गए थे गोमती नगर विथ साइकिल, बाय बाय विकास नगर, जो कि लखनऊ में जिस एरिया में रहता हूँ वहां से। तो हम लोग बाय साइकिलिंग करके गए थे, विच वॉज अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स फ्रॉम माई हाउस, और उन लोग को भी पहले मेरे घर आना पड़ा, तो उन लोग के लिए शायद 10 किलोमीटर हो गया होगा, क्योंकि 3 किलोमीटर मेरे से दूर हूँ उनका लोग का घर है। और जैसा कि आपने फोटोज में देखा कि हम लोग फोटोशूट किए थे वहां पे जाके, खूब एकदम सुबह सुबह गए थे, प्लानिंग बहुत अच्छी थी। और फिर आता है अगस्त,
अगस्त में बेसिकली नॉर्मल चीजें हुई, मैं पढ़ रहा था और जो भी नॉर्मल थिंग्स होती हैं जैसा कि आप लोग जानते हैं घरेलू चीजें वही सब हुई। और फिर आता है सितंबर, सितंबर में मुझे एक बहुत अच्छी न्यूज मिली कि मेरी जो दीदी है वो शादी कर रही है, शादी जनवरी में है नेक्स्ट ईयर। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मुझे एकदम भी विश्वास नहीं था, मुझे एकदम भी यकीन नहीं हो रहा था कि दीदी कैसे मान गई। और मुझे तो मतलब मैं जैसे ही मैंने न्यूज़ सुनी थी उस समय तो मैं एकदम शॉक्ड रह गया था, ये क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस साल उनसे भी मिल पाऊंगा क्योंकि मैं अपने पिछले 5 सालों से भैया और दीदी से किसी से मिला नहीं था, तो बहुत अच्छी न्यूज़ थी। फिर अक्टूबर में ही उनकी सगाई हुई जिसमें मैं भैया से तो नहीं मिल पाया क्योंकि भैया की जॉब थी वो आ नहीं पाए थे किसी कारण से, और दोनों दीदी से मैं अपने मिल चुका हूँ और अभी फिर से मिलूंगा जनवरी में, जनवरी में शादी है जैसे कि मैंने आपको बताया। फिर उसकी भी मैंने एक दो फोटोज मैंने आपको डाली हैं मैंने जो अपनी दीदी के संग ली थी। और उसके बाद आता है नवंबर, नवंबर मेरे लिए बेसिकली बहुत स्पेशल रहा है क्योंकि जो मुझे चीज़ चाहिए थी वो मुझे मिली है और उसका मैंने अच्छे से यूज़ किया है, बहुत अच्छे से यूज़ किया और अभी भी कर रहा हूँ जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ ये इसी की मदद से है, जो मेरा गोरिल्ला पॉड है वो मुझे मिला है और तभी से मेरे यूट्यूब की जो करियर है, जितनी मैं वीडियोज डालता हूँ पार्ट टाइम ही डालता हूँ लेकिन डालता तो हूँ, तो जितनी मेरी यूट्यूब की वीडियोज की शुरुआत हुई है वो इसी से हुई है। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप लोगों को ये बात बता सकूँ। और नवंबर में मैंने खूब सारी एक दो वीडियोस भी डाली हैं अपनी, नवंबर से शुरुआत की है लेकिन अब आया है दिसंबर और दिसंबर एंड होने वाला है बेसिकली। और सो गाइस दिसंबर एंड का तो आप देख ही रहे हैं, लखनऊ में बहुत ठंड पड़ रही है, 4-5 डिग्री तक रात में चला जाता है और दिन में भी हम लोग, मेरे अभी आपको शायद आवाज भी आ रही होगी, मेरा हीटर चल रहा है इस समय रूम में। गाइस बहुत मतलब बहुत खराब मौसम हो रहा है, थोड़ा सा तो यार कम होना चाहिए, क्या लगता है आपको? कमेंट डाउन बिलो फॉर दिस। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एंड देखो न्यू ईयर आ रहा है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो मैंने एक रेजोल्यूशन डाला है कि अगले साल तक मैं शायद 400 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकूं। कोई बात नहीं अगर नहीं होता है लेकिन एक रेजोल्यूशन मैंने बनाया है, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अगले अगले साल के एंड तक मैं अपने 400 से 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लूं। तो गाइस हैप्पी मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम मी एंड माय फैमिली, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट ईयर।